आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कारगिल शहीदों की वीर गाथाएं पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। कारगिल बलिदानियों की वीरता की कहानियां वैसे तो देश के हर नागरिक की जुबान पर है, लेकिन आज की पीढ़ी को भी वीरों की शहादत से अवगत कराना जरूरी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्रदेश के बलिदानियों के किस्से और जीवनी पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। शिक्षा विभाग के अनुसार ये अध्याय 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और इन पर आधारित परीक्षा भी ली जाएगी। सरकार की इस पहल से छात्रों को निस्वार्थ देश सेवा की प्रेरणा मिलेगी। मुस्लिम बच्चों को कंठस्थ है संस्कृत के श्लोक। मुस्लिम बच्चों ने संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मजहब के ऊपर होता है। जयपुर के मुस्लिम बहुल इलाके भट्टा बस्ती में राजकीय संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 500 मुस्लिम बच्चों को संस्कृत के श्लोक जुबानी याद हैं। बच्चों का कहना है कि हम मजहब के आधार पर भाषा की पढ़ाई नहीं करते हैं, संस्कृत विषय हमें अच्छा लगता है। यहाँ तक कि अभिभावकों को भी बच्चों के संस्कृत पढ़ने से कोई एतराज नहीं है। आपको बता दें कि इसी तरह का मंजर बिहार के दरभंगा जिले के रघुनाथपुर गांव में भी देखने को मिलता है। यहाँ के त्रिवेणी संस्कृत मध्य विद्यालय में मुस्लिम बच्चे धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं और अनेक श्लोक उन्हें कंठस्थ याद हैं। अभिभावक भी संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझने में रुचि रखते हैं। कट्टरता के दौर में ये बच्चे मजहब की दीवारें छोटी कर सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ा रहे हैं। वंदे मातरम से गूंज उठा मदरसा। जहां एक ओर कट्टरपंथियों को वंदे मातरम से गुरेज है, वहीं मदरसे में वंदे मातरम गाकर बच्चों ने सौहार्द की मिसाल पेश की। संभल के गांव मऊभूर स्थित मदरसा मौलाना अली जौहर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और गायत्री मंत्र गाया गया। मदरसा भारत माता और अमर शहीदों के नारे से गूंज उठा। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराया गया था, जहां बच्चों को वंदे मातरम का अर्थ और महत्व भी समझाया गया। काशी की पंचकोसी परिक्रमा से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। सावन माह के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही पंचकोसी मार्ग की यात्रा के लिए लोगों में एक विशेष उत्साह रहता है। इस बार चीन, नेपाल व बांग्लादेश से पर्यटक भी इसमें भाग लेने आ रहे हैं। विदेशी पर्यटक भारत के विभिन्न प्रांतों से आ रहे पर्यटन अधिकारियों और प्रतिभागियों को पंचकोसी परिक्रमा कराने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान उन्हें शिव नगरी की इस खास परंपरा और इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। सुविधा के मद्देनजर पर्यटन विभाग व काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने सावन के पहले दिन से पंचकोसी परिक्रमा का एक दिनी पैकेज शुरू किया है, जिसके अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन, मणिकर्णिका घाट पर संकल्प, नाव 80 से होते हुए पांचों पड़ावों की वाहन से यात्रा और जलपान आदि की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं आज का इतिहास। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में 19 जुलाई 1827 को जन्मे थे। मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। मंगल पांडे ने अपने जीवन का बलिदान कर एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जिसने अंग्रेजी सत्ता के पांव उखाड़ डाले। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसरों पर हमला कर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने विद्रोह का बिगुल फूंका। भारत की स्वाधीनता के लिए मंगल पांडे ने नारा दिया था, मारो फिरंगी को। यह नारा कालांतर में क्रांति का सूत्र वाक्य बन गया। मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में बदल गया। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।